हेलो स्टूडेंट, आज भी अपना टॉपिक जो मेन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन। इसके अलावा हमें इससे पहले कुछ पॉइंट समझने हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है कि इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट चार्ज किसी वेरी स्मॉल डिस्टेंस से यदि हम सेपरेट कर दें तो वो फॉर्म करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। मतलब हमने दो चार्ज लेने, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर हों और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो, वेरी स्मॉल, और उस वेरी स्मॉल डिस्टेंस को मैं 2L से लिख रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये चार्ज मेरे पास प्लस क्यू का होगा, ये चार्ज मेरे पास माइनस क्यू का होगा। ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट चार्ज है और उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो वेरी स्मॉल है, और ये क्या फॉर्म कर रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, यदि बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल पर, यदि कोई आपसे पूछे कि भाई नेट चार्ज कितना होगा, तो नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल तो भाई नेट चार्ज की यदि बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल पर, वो होता है जीरो। कैसे भाई, क्योंकि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो जनरल मैथमेटिक्स से हम ऐड करेंगे तो चार्ज कितना आएगा, जीरो। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी। ये कन्फर्म है कि चार्ज इस पर जीरो है बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल की नॉट इक्वल टू जीरो होगी, बट चार्ज की वैल्यू इक्वल टू जीरो होगी, नेट चार्ज। क्लियर। उसके बाद हम बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम। इसके अलावा एक क्वांटिटी और है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहे थे, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 2L। तो भाई देखो, इक्वल और अपोजिट मैग्नीट्यूड के दो चार्ज थे, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 2L। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की प्रोडक्ट कर दें हम 2L डिस्टेंस के साथ, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की हमें प्रोडक्ट लेनी है किसके साथ, सेपरेटेड डिस्टेंस के साथ, तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम। यहाँ पे हम ये लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज और इनटू में सेपरेटेड डिस्टेंस। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम। मैग्नीट्यूड कितना है, सेपरेटेड डिस्टेंस कितनी है, 2L। तो ये किससे डिनोट किया जाएगा, P से, P बराबर Q इंटू में 2L। देखो, यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो 2L है, 2L डिस्टेंस, ये वेरी वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, यानी ये माइक्रो में होगी, म्यू में, नैनो में हो सकती है या पीको में हो सकती है, मतलब 10^-6, 10^-9, 10^-12 इसमें होगी, मतलब ये बहुत कम डिस्टेंस होगी, बहुत छोटी डिस्टेंस होगी। अब बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी,
वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी एक डायरेक्शन होगी, जो कि डायरेक्शन होगी हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। डाइपोल मोमेंटम की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। इसकी जो SI यूनिट होगी, SI यूनिट वो है कूलाम मीटर। डायमेंशन फॉर्मूला होगा M0 L1 T1 A1, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल दो इक्वल और अपोजिट मैग्नीट्यूड के चार्ज वेरी स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किए गए तो डाइपोल कहलाया। उसी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को हम सेपरेटेड डिस्टेंस के साथ प्रोडक्ट कर दे तो वो डाइपोल मोमेंटम कहलाएगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होगी। SI यूनिट होगी कूलाम मीटर और डायमेंशन फॉर्मूला होगा M0 L1 T1 A1। आज हमें बात करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी एक्सियल लाइन, और वो हमें किससे निकालनी है, एक डाइपोल से। यानी एक डाइपोल उसी की लाइन में एक पॉइंट दे देगा और उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने पूछेगा। तो हम यहाँ पे एक डाइपोल ले लेते हैं, ए बी एक डाइपोल है, इस पर ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज अपने पास, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी मान लेते हैं, 12 12, और ये इसका सेंटर मान लेते हैं ओ। इस डाइपोल का नाम रख लेते हैं ए बी, और इसी डाइपोल की लाइन में ये एक पी पॉइंट है जिसे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जो कि सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर रखा, ठीक है। सेंटर से कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है, एक्स। देखो लिखेंगे अपने पास क्या कि भाई मान लो, देखो इसको करने का तरीका सीधा सा क्या है कि आपको ये मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इस पॉजिटिव चार्ज से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगी, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है इसलिए, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, हम डायरेक्ट लिख लेंगे कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग के क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है, बी से पी तक, तो बी पी का स्क्वायर। अच्छा बी पी को आप क्या लिख सकते हो, बी पी को यदि हम लिखें तो ये लिख सकते हैं ना, ओ पी माइनस ओ बी, ओ पी माइनस ओ बी। ओ पी क्या है अपने पास, एक्स है, और ओ बी कितना होगा, एल। तो ई वन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई, के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। सेम इसी तरीके से आप इस नेगेटिव चार्ज को देखो, पॉजिटिव को फिलहाल भूल जाओ, नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड पी पॉइंट पर, तो नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ, ठीक है। तो ई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये मान लेते हैं इक्वेशन वन, ई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई टू होगा के क्यू अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है, ए पी का स्क्वायर, और ए पी को भी हम लिख पाएंगे कुछ इस तरीके से, ए पी की वैल्यू आप लिख सकते हो ओ पी प्लस ओ ए। ओ पी क्या है, एक्स है, ओ ए क्या है, एल है। तो ई टू की वैल्यू क्या आ गई, के क्यू अपॉन में एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, ये नाम देते हैं इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। इक्वेशन वन और टू को ध्यान रखना, देन उसके बाद करेंगे। देखो एक पॉइंट यहाँ पे देखो, हमें चाहिए नेट फील्ड एट पॉइंट पी,
ठीक है भाई, हमें चाहिए नेट फील्ड पी पॉइंट पर, तो नेट फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो को मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ ई वन और ई टू की वैल्यू। ई वन की वैल्यू मेरे पास कितनी है, के क्यू एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, और ई टू की वैल्यू है के क्यू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम मिटा लेते हैं, इसकी ज़रूरत हमें अब नहीं। देखो आप ध्यान से देखो, आपको ई नेट चाहिए पी पॉइंट पर, तो आप कैसे करोगे, ये बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना दिख रहा है आपको, 180। ई नेट निकालने का तरीका क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ई रिजल्टेंट मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई वन का स्क्वायर ई टू का स्क्वायर टू ई वन ई टू कोस 180, और इस सारे का रूट। अच्छा आप ध्यान दो, कोस 180 की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन, तो मैं यहाँ पे कोस 180 की वैल्यू माइनस वन रखूँगा, तो यहाँ पे ये माइनस बन जाएगा, और कोस 180 यहाँ से आप हटा सकते हैं। अच्छा गौर से देखो, ई वन का स्क्वायर प्लस ई टू का स्क्वायर माइनस टू ई वन ई टू, ये किसका फॉर्मूला है, ई वन माइनस ई टू का होल स्क्वायर का, ई वन माइनस ई टू के होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, और सारे का रूट, ये ई नेट की वैल्यू आएगी। तो ई नेट की वैल्यू क्या हो गई, ई वन माइनस ई टू, ई नेट आपको यहाँ पे समझ में आ गया कैसे निकालना है, ई नेट होगा ई वन वैक्टर में से ई टू वैक्टर को घटा लेना। ठीक है, इसकी अब ज़रूरत अपने लिए ख़त्म हो गई है, यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं ई वन ई नेट निकालने के लिए ई वन माइनस ई टू, तो ई नेट यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास, ई नेट की वैल्यू होगी ई वन में से के क्यू कॉमन, ठीक है, अंदर बच जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस, सॉरी माइनस है ना, ई वन में माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का एल का होल स्क्वायर। अच्छा इसको यदि मैं सोल्व करूं, तो इसको यदि मैं लिखूं तो ये लिख सकता हूं के क्यू अपॉन, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो ये ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है ना, और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको यदि मैं लिखना चाहूँ तो मैं कुछ ऐसा लिख पाऊँगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू एक्स एल माइनस, अब इसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस टू एक्स एल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई। ठीक है, जो पॉजिटिव नेगेटिव वाले जो कैंसिल होते हैं उनको काट लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास बचता क्या है, यहाँ से बच जाएगा अपने को के क्यू एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू में फोर एक्स एल, फोर एक्स एल को आप टू एल इंटू में टू एक्स लिख सकते हैं, देखो फोर एक्स एल। ठीक है, अब यहाँ पे q इंटू में 2l क्या होता है, ये तो p होता है डाइपोल मोमेंटम, तो यहाँ से मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, e नेट की वैल्यू आ जाएगी k 2px अपॉन में x स्क्वायर l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, 2x और था ना, नहीं 2x की जरूरत नहीं, ठीक है सही है। अच्छा इतना हो गया, अब इसके लिए दो पॉइंट ध्यान रखो, पॉइंट नंबर फर्स्ट कि मैं आपको हर बार शुरुआत में बता चुका हूँ कि जो इन चार्ज के बीच की डिस्टेंस है वो वेरी स्मॉल होगी। ठीक है, तो मतलब
जो 2L है वो माइक्रोमीटर, मिली माइक्रोमीटर, नैनोमीटर या पिकोमीटर के अंदर होगी, और जबकि जो ये एक्स है, ये एक्स, ये सेंटीमीटर मीटर के अंदर होगी। तो इसका मतलब एक्स जो है वो बड़ा है एल से, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होगी एल के स्क्वायर से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस इक्वेशन से एल को नेगलिजिबल मान लेंगे, एल स्क्वायर को, तो अपने पास इक्वेशन ई नेट की वैल्यू आ जाएगी, ई नेट की वैल्यू होगी के टू पी एक्स, नीचे से क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर नेगलिजिबल, तो नीचे बचता है एक्स की पावर फोर, तो एक्स से एक एक्स कैंसिल, तो ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला टू पी अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये ई नेट की वैल्यू आ गई। सेम इसी तरीके से देखो, ध्यान दो, पॉइंट नंबर टू, ये पॉइंट नंबर वन था, पॉइंट नंबर टू, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? डाइपोल में जो फील्ड की डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव ये है, और यहाँ पे देखो अपना ई नेट आया था ई वन माइनस ई टू, मतलब, और इसका आंसर भी क्या आ रहा था, पॉजिटिव। तो ई वन माइनस ई टू में ई वन की वैल्यू ज़्यादा है तभी तो पॉजिटिव आंसर आएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कहाँ बनेगी, इस डायरेक्शन में। तो भाई इसका मतलब सीधा सा ये हुआ, ई नेट और डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, जीरो डिग्री। जीरो, ये पॉइंट आपका आगे काम आएगा। ठीक है भाई,